रणधीर वर्मा चौक पर सर्वधर्म सामूहिक विभाग के द्वारा जन जागरूकता अभियान चलाया गया। सर्वधर्म सामूहिक विभाग समिति के द्वारा धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर जन जागरूकता अभियान चलाया गया। समिति के अध्यक्ष प्रदीप कुमार सिंह ने मीडिया को बताया कि नगर निगम या सरकार के द्वारा निर्मित शमशान घाटों को बहुत ही अच्छा और स्वच्छ बनाया गया, परंतु शमशान घाट हो या कब्रिस्तान, सरकार के द्वारा 4 से 5 करोड़ रुपए में बनाया गया है, जिसमें पानी, बिजली, पार्क, शेड, जनरेटर इत्यादि सभी सुविधा उपलब्ध है, पर उसकी देखभाल जनता की जिम्मेदारी होती है तथा दीवारों पर कुछ ना लिखे, घरों के कपड़े इत्यादि को शमशान घाट में ना फेंके तथा जहाँ जहाँ पान पराग, गुटखा, खैनी इत्यादि खाकर ना थूके। सर्वधर्म सामूहिक विभाग समिति के द्वारा सभी जनता से अपील करती है कि सरकार के द्वारा सभी सरकारी संपत्ति जनता अपनी संपत्ति समझकर उसकी देखभाल करे, ताकि समाज को एक अच्छी संदेशा तथा साफ और स्वच्छ वातावरण मिल सके, जिससे आने वाली पीढ़ी इस कार्य को बरकरार रखकर आगे की ओर आकर्षित होंगे। सरकार पर्यावरण को लेकर एवं शादी विवाह में दहेज प्रथा को लेकर तथा वैक्सीन की मुफ्त व्यवस्था को लेकर सरकार लोगों को जागरूक कर रहा है तथा इस पहल को देखते हुए सर्वधर्म सामूहिक विभाग के द्वारा जन जागरूकता अभियान धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर तख्ती लेकर हर तरह का संदेश लोगों को जानकारी देने का अथा संभव प्रयास किया जा रहा है। अभी कोरोना काल में हमेशा मास्क इस्तेमाल करें, बार बार हाथ की सफाई जरूर करें। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से मौजूद द्वारिका प्रसाद तिवारी, सुशील कुमार श्रीवास्तव, मनजीत सिंह, विक्रम सिंह, तारक नाथ दास, अशोक पंडित, संजय तिवारी, उदय साहू, गणेश शर्मा, विजय झा आदि ने भाग लिया। आज हम लोग सर्वधर्म सामूहिक विवाह समिति की ओर से जन जागरूकता अभियान हम लोग रखे हैं। इस अभियान के तहत हम सभी धनबाद वासियों को पूरे जो है इस झारखंड प्रदेश के वासियों को संबोधन करना चाहते हैं। इस सरकार के द्वारा बनाई गई कोई भी भवन हो, शमशान घाट हो, सामुदायिक भवन हो या रोड पर जितने भी प्रकार का जहाँ तहाँ कचरा ना फेंकने का, ये हम लोगों ने आज यहाँ पर एक पब्लिक को एक संदेश देना चाहते हैं कि सरकार जिस चीज़ को बनाती है क्या उसका इस्तेमाल करना हमें ही काम करना है, उसके साथ हमें ही रहना है। अभी गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो है शमशान घाट जो है बहुत अच्छे तरीके से बनाई। शमशान घाट की स्थिति आज देखने को बनता है कि 4 से 5 करोड़ रुपया वो लगा के शमशान घाट बनाया गया, लेकिन उस शमशान की स्थिति पुनः जो है पूरा गंदगी होती जा रही है। लोग जा रहे हैं वहाँ पर अपने अपने जो है परिवार का जो है वाल पर जो है नाम लिख करके आ जाते हैं या वहाँ घर के कचरे को ले जा कर फेंक देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके बाद भी सभी लोग जाएंगे। गवर्नमेंट का काम है उसको बना देना, लेकिन पब्लिक का काम है उसको जो है स्वच्छ रखना। और भी है जैसे बिजली बचाव पर हम लोग आज काम कर रहे हैं, पानी बचाव पर है, हमारा पर्यावरण पर है, या हम लोग जो है सभी चीज़ों पर आज हम लोग इस पर जो है किए हुए हैं। पूरा अवेयरनेस पब्लिक को क्यों होना चाहिए कि ये जो है गवर्नमेंट की संपत्ति को अपना समझे। सरकार के लिए भी एक हमारी जो है संदेश है, धनबाद जिला में आज लगभग 1 महीने से गया पुल के नीचे रोड जो है खराब है। यहाँ